देखो सरकार का डर है ना जो अंदर का वो सामने आ गया। मैं बिजली देती, मैं करोना चाह करता, करोना से तो बड़े इन्ने बुरे प्रबंध से कि आप मिनिस्टर फोर्टिस से जाके लाई करवाते, आप अपना 20 रुपये घट्टो घट माइनस करके डीजल पेट्रोल तो फिर केंद्र को कह असी भी ना। फिर लोगों दिया जेबा चो पैसा कढ़न की बहुत घटिया साजिश है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की। घपले हो रहे हैं, वजीफिया के पैसे खा गए, नौकरी कोई नहीं मिली किसी को, तो उदा पंजाबी दिया गल करते तारा मारते बड़िया, लेकिन पंजाब लिए तो पंजाबी ने किया कुछ नहीं, आप अंग्रेजी बोलते। अकाली दल के विधायकों को 3 दिन लिए मुतलबी करता गया सर, अज जो है बजट सैशन कल तो शुरू हो जाने, अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना भाषण शुरू किया सीगा, तुहाडे वालों विरोध किया गया, आप वालों भी विरोध किया गया, तो हुण जो स्थिति है तुसीं 3 दिन तक बजट के पेश नहीं होगे, किवें तुसीं चीज़ां देखोगे? देखो सरकार का डर है ना जिहड़ा अंदर का वो सामने आ गया कि जिहड़ी धिर उन्होंने पॉलिसियां उन्होंने फेलओवर एक्सपोज करती है उस धिर तो डरते हैं, सानू बाहर कढ़ता 3 दिन, हाले बजट तो हाले आया नहीं, हाले बजट नू तो अकाली दल ने छेड़िया भी नहीं, तो बजट सैशन का फेलओवर होना इन्होंने बड़े पद्धर से फेल होना बजट, क्योंकि पुराने 4 बजट इन्हों के वो झूठ के पलंदे निकले है। सो इन्होंने बाहर कढ़िया सानू, लेकिन लोगों की कचहरी चो नहीं बाहर कढ़ सकता कोई, तो लोग इन्हों सज़ा देंगे क्योंकि पंजाब सरकार का लास्ट बजट है उसका। तो की लगता कि कल दे हुण तुसी पेश नहीं हो सकते या कुछ देर लई बाद च कोई सूचना आएगी या फिर कल तुहानू बुला लिया जाएगा? देखो गल सूचना की नहीं है, गल तुसी आप विचार करो बई, अज गवर्नर एड्रैस के उत्ते सीएम ने कंकलूजन कंकलूड करना सी, जवाब देना सी, पर जवाब झूठे दिते जा रहे। मैं बिजली देती, मैं करोना चाह करता, करोना से तो बड़े इन्ने बुरे प्रबंध से कि आप मिनिस्टर फोर्टिस चो जाके लाई करवाते, याद होना तुहानू, इन्हां दे MLA सरकारी हॉस्पिटल चो भज गए सी कि मैनू मार देणगे सरकारी हॉस्पिटल वाले, ये प्राप्तियां झूठियां दसियां जा रही सी। बिजली जिहदा वादा इन्होंने किया गरीब नू 400 यूनिट महीने का देना, 5 रुपये इंडस्ट्री नू दित्ती देना, वो झूठ निकलिया, जो असीं पुछण की कोशिश करते हैं इन्हां नू चंगा नहीं लगता, सानू बाहर कढ़ाता धक्के नाल। पेट्रोल डीजल की वधी कीमत उस दे उपर वैट की लगता? 20 रुपये तो वध पंजाब सरकार डीजल के उत्ते वैट लै रही है, पंजाब सरकार, तो मेरा ख्याल 18-19 रुपये केंद्र सरकार लै रही है, केंद्र सरकार नू भी कहन, पर आप अपना 20 रुपये घट्टो घट माइनस करके डीजल पेट्रोल तो फिर केंद्र नू कहन असी भी नाल है फिर, लेकिन आप तो लोगों पर बोझा पई जांदे, अज 100 रुपये हो गया सारा कुछ पेट्रोल भी तो डीजल भी, तो लोगों दियां जेबां चों पैसा कढ़न की बहुत घटिया साजिश है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की। घपले हो रहे हैं, वजीफिया के पैसे खा गए, नौकरी कोई नहीं मिली किसी को, बहुत बुरे हालत है, किसी को 55,000 शगन नहीं मिले, तो स्कूल लगातार फीसा करा रहे बच्चों को, करोना के नाते लोगों को डरा भी रहे, लोगों को लुट भी रहे। कल जी नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किवें देखते हो तुम, क्योंकि कल उन्होंने बिच सदन से छट के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, सिस्टम के बिच जो है धोखाधड़ी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। चलो जे वो ही नहीं कले, प्रगट सिंह देख लो जो विधायक जलंधर तो हाँ, उन्होंने भी एक दिन कहा कि माइनिंग बहुत हो रही है, कांग्रेस के विधायक माइनिंग कर रहे हैं, करप्शन बड़ी हो रही है। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपन की साड़ी तो की सुननी, अं तो अपोजिशन है, सन तो कड़ता वा अपन की भी नहीं सुनते, ये राजाशाही है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप की गल करें, प्रशांत किशोर आ गए ने, तुम्हें लगता प्रशांत किशोर के हेठा कुछ हो सकता, कांग्रेस मुड़ तो रिपीट हो सकती है? मैनू लगता बई 1 करोड़ रुपया उन्होंने करप्शन का उन्होंने दिता गया, करप्शन का इकट्ठा करके उन्हों 60-70 बंदे का स्टाफ देता, गड्डी देती, कोठी देती, तो वो पंजाब दे किसी बच्चे नू तां रुजगार नहीं मिलिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिहार तो एक बंदा लिया के जालसाज घपलेबाज झूठ बोलन वाला तो बुलाने वाला उन्हों रुजगार वधिया देता, रणनीति प्रशांत किशोर दी बहुत जबरदस्त है, तो लोग गुस्सा कढ़णगे, ये जे उहदी रणनीति जबरदस्त तो मैनू पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन पंजाब दे लोकां दा गुस्सा बड़ा जबरदस्त हुंदा, पहली बारी तो ये सह लैंदे हुंदे आ, दूजी बारी ठोकमा जवाब देंदे हुंदे आ, हुण उहनू ते कांग्रेस नू सौं खा के जिहड़े लोकां नाल वादे कीते सी, और मुकर गई कांग्रेस सौं खा के, अमरिंदर सिंह जी मुकर गए सौं खा के,
ਹੁਣ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਜਟ ਹਲੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਜਲਮਾਨ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।